सरकार बनी है इसको लेकर आप क्या कहेंगे? नायक को मुख्यमंत्री बनाया गया है और शिवसेना से एक बड़ा दो तिहाई विधायक टूट कर गए, अलग हुए और उसके बाद बात ऐसी है। वो टूट फूट की बात तो पुरानी हो गई है हमारे लिए। महाराष्ट्र में एक नई सरकार आई है, जो एक गुट बना था इस गुट के साथ भाजपा ने अलायंस किया है और गुट के नेता एकनाथ शिंदे को राज्य का मुख्यमंत्री बनाया। देश में इस प्रकार की घटनाएं बहुत बार होती है। तमिलनाडु में हुई है, उड़ीसा में भी करने की कोशिश की थी और भी राज्यों में हुई है। राजनीति में सरकार कोई नई बात नहीं है। लेकिन सर जो उम्मीदें फडणवीस की, जो ऐसा कहा जा रहा है फडणवीस सीएम बनेगा, आप नहीं समझते? बात ऐसी है कि वो उनके पार्टी का अंदरूनी मामला है, किसको मुख्यमंत्री करना है किसको नहीं करना है। मैं मानता हूँ कि उनकी पार्टी भी आदेश पर चलती है, हाईकमान के एक आदेश आया और फडणवीस जी ने वो स्वीकार किया। शिंदे साहब को सीएम बनाने के पीछे एक रणनीति क्या आपको लगता है कि बीजेपी के मास्टर संगठन कोई भी हो सकता है, संगठन को कमजोर? देखो, रणनीति हो या कूटनीति हो, हमें उससे कोई मतलब नहीं। एक सरकार महाराष्ट्र में आई है, उस सरकार को महाराष्ट्र के हित के लिए, महाराष्ट्र में कुछ अच्छा हुए इसलिए हम हमारी शुभकामनाएं देते हैं। आप कमजोर होगा आपको लगता है? मुझे नहीं लगता है कि हमारा संगठन कभी कमजोर हुआ है। सर, जो नाराज शिव सैनिक है क्या अब उससे खुश हो जाएंगे? कोई नाराज नहीं है। एकनाथ शिंदे गुट से जो नाराज थे, जो आप कह रहे थे कि हमने उनको रोक के रखा है, क्या अब वो लोग खुश हो जाएंगे क्योंकि एकनाथ शिंदे को ही मुख्यमंत्री बनाया गया? नहीं, कोई सवाल नहीं है। सर, एकनाथ शिंदे खुद को आज भी शिवसेना का ही कह रहे हैं, खुद को शिवसेना ही कह रहे हैं, अगर वो भी हिप निकालते हैं तो क्या? जब तक वो खुद को शिवसेना का ही कहेंगे तब तक उनको मुख्यमंत्री पद पर रखा जाएगा। राव साहब, क्या वजह है कि एकनाथ शिंदे जी को भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व ने सीएम किया है? तो उनका मामला है, उनके पार्टी के विधायक 120 126 है, वो निर्णय लेंगे किसको मुख्यमंत्री करना है नहीं करना है। मुझे लगता है इस प्रकार से कोई डील पहले से हुई होगी, इसलिए ये रिस्क एकनाथ शिंदे जी ने उठाई। लेकिन अब एक सरकार अगर बनी है तो उसके ऊपर चर्चा करना फजूल की बात है।